वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्लास वन सब्जेक्ट में चैप्टर सिक्स नंबर्स 22-50। दिस इज अ पार्ट थ्री। नाउ कंपेयरिंग नंबर बिगर स्मॉलर एंड बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आज हम क्या सीखेंगे, नंबर्स में कंपेयर करना, और इसमें बिगर्स नंबर कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, और सिमिलर नंबर कौन से हैं। लेट नाउ स्टार्ट। अ नंबर विथ वन डिजिट आर ऑलवेज स्मॉलर देन अ नंबर विथ टू डिजिट। हमेशा एक नंबर और टू नंबर डिजिट में अंतर होता है। ओके, उनमें एक छोटा नंबर होता है, एक बड़ा नंबर होता है ना। तो जैसे 15 और 5, इसमें से कौन सा स्मॉलर है और कौन सा बड़ा है, बिगर नंबर कौन सा है। यस, 15 नंबर बड़ा है और 5 छोटा है। ओके, ऐसे 12 एंड 16 में बड़ा कौन सा है, बिगर नंबर 12। 7 और 14 में 14। बिलो आर पेयर ऑफ बॉक्सिस कलर द बॉक्स विथ द सिमिलर नंबर स्मॉलर नंबर और वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। स्मॉलर का मतलब होता है छोटा नंबर, हमें देखना है 19 और 18 में, इनमें स्मॉलर नंबर कौन सा है बेटा, यस 8। तो हम किस तरफ इसका बनाएंगे, मतलब इसे किस तरफ इंडिकेट करेंगे, 8 की तरफ। ओके, 11 और 20 में से कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा स्मॉलर है, स्मॉलर का मतलब होता है छोटा, कौन सा स्मॉलर है, 11। 28 एंड 42, यस 28 एंड 38 एंड 41, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा स्मॉलर है, 38। सर्कल द बिगेस्ट नंबर नंबर पेयर ब्लो हैज़ बीन वन हैज़ बीन डन एन एज एग्जाम्पल 26 एंड 9। इसमें हमको बिगर नंबर देखना है, यानी बड़ा नंबर देखना है, इसमें कौन सा बड़ा है, 26 और 9 में से क्या बड़ा है, 26। तो हमें जो नंबर बड़ा है उस पर हमें सर्कल कर देना है, 26 बड़ा है तो हमने उस पर सर्कल कर दिया। 30 और 40 में से कौन सा बड़ा है, 40 बड़ा है तो हमने उस पर सर्कल कर दिया। 45 एंड 41 में से कौन सा बड़ा है, 45, तो हमने उस पर सर्कल कर दिया। 38 और 44 में से कौन सा बड़ा है, 44। देखिए बेटा, जो नंबर बड़ा होता है हमें उस पर ही सर्कल लगाना है। 29 और 34 में कौन सा बड़ा नंबर है, 34, और 21 और 28 में से कौन सा बिगेस्ट नंबर है, बिगर नंबर 28। कंपेयर बाई यूजिंग वन हैज़ बीन डन एन एग्जाम्पल। अभी हमें जो बड़ा नंबर है उस पर हमें कंपेयर करना है, 34 और 32 में से कौन सा बिगर नंबर है, कंपेयर करो, 34 बड़ा है। 49 और 29 में से, यस 49 बड़ा है, बिगर नंबर है। 38 26 में से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, यस 38 बिगेस्ट नंबर। 47 इज़ द बिगेस्ट नंबर एंड 36 इज़ द बिगेस्ट नंबर। कलर द बिगेस्ट नंबर ईच ग्रुप वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। आपको जो ग्रुप दिए हैं इसमें, जिसमें मैंने राइट का टिक किया है, उसमें आपको कलर करना है, ठीक है। मैंने बस ओनली राइट का इंडिकेशन दिया है आपको, बट उसमें कलर करना है। 16 और 23 में से कौन सा बड़ा होता है बेटा, कौन सा बिगर नंबर है, 23। 2 एंड 28 में से कौन सा है, 28 है ना। 35 और 42 में से, 42। 18 एंड 25, यस 25। 1 और 10 में से कौन सा बिगेस्ट नंबर है, 10। 14 और 25 में से कौन सा बिगेस्ट नंबर है, 25। 46 एंड 24 में से कौन सा बिगेस्ट नंबर है, 46। 39 कंपेरिजन देन 31, एंड तो इसमें कौन सा बिगेस्ट नंबर है, 39। टेक द स्मॉलेस्ट नंबर वन हैज़ बीन डन एन एग्जाम्पल। जो सबसे छोटा नंबर है उसमें हमें राइट का टिक लगाना है, 8
43, 34 and 24. इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है. यस 8, तो आपको 8 पे टिक लगाना है. 27, 38, 41. इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटा नंबर, 7. 35, 50, 15 and 25. यस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 15. 42, 24, 41 and 14. कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, 14. राइट द नंबर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले हमें छोटा लिखना है, छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, फिर बड़ा, फिर देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. मतलब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम से लिखना है ना, यानी छोटा से शुरू करके बड़े नंबर पर इसका एंड करना. जस्ट लाइक अ एग्जाम्पल, 46, 40 and 28 and 29. इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा, यस 28, देन उसके बाद 40, देन 46, लास्ट इज 49. ओके इसी तरीके से आपको ये करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर. राइट द एग्जाम्पल इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल. डिक्रीजिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के. मतलब छोटे से बड़ा हम लिखते थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बड़े से छोटा हम लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ओके तो जो हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो हम सबसे पहले लिखेंगे. जैसे इसमें लिखा है 48, 39, देन आफ्टर 12, देन आफ्टर 4. ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सेवन, फोर्टी सिक्स एंड थ्री. तो 46 इसमें सबसे बड़ा नंबर है, देन 27, देन 25 एंड लास्ट इज 3. नेक्स्ट इज 20, 14, 15 एंड 47. इसमें कैसे करना है, 47 इज़ द बिगेस्ट नंबर, देन आफ्टर 20, देन आफ्टर 15, लास्ट इज 14. इस तरीके से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर कंप्लीट करना है.